कल होके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहेंगे मेरी अंतरात्मा अब कह रही है कि भैया इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे, इन लोग तो सब लोग एकजुट हुआ नहीं, हम तो कहे थे कि एकजुट हो जाइए, नहीं हुआ तब क्या करें, बिहार के लिए हम फिर भाजपा में जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति करते रहते हैं। मैं हर दिन बताता हूं, मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा से पहले वो छोड़कर जाएंगे, लोकसभा तक वो रहेंगे। वो क्यों महागठबंधन बनाए हैं पहले ये आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार महागठबंधन बनाए अगस्त में, उससे पहले हमसे दिल्ली में आकर मार्च में कम से कम घंटों बैठे हैं, पटना में मिले। वो सिर्फ इसलिए आरजेडी के साथ गए कि उनको ये दिमाग में बात आ गई थी कि 24 में लोकसभा चुनाव के बाद अगर भाजपा जीत जाएगी देश में तो हमको हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना देगा, क्योंकि इनका 42 विधायक है, भाजपा का 75 था। उसी डर से इन्होंने कहा कि भाजपा हमको 24 में हटाए, उससे पहले हम 23 में ही भाग के महागठबंधन बना लेते हैं, कम से कम 25 तक तो कुर्सी बचा रहेगा। तो 24 के लोकसभा नतीजों के बाद नीतीश कुमार किस दिशा में जाएंगे ये धरती पर कोई नहीं बता सकता है, नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते, उनको भी नहीं पता है। वो सहूलियत के हिसाब से इतना बताया जा सकता है कि नीतीश कुमार की अपनी सहूलियत जो होगी, जो उसमें उनका अपना स्वार्थ दिखेगा, उस दिशा में वो जाएंगे। मेरे भाई, ये आपका भ्रम है कि जनता नहीं सुधर रही। आज के तारीख में आप लोग भी पत्रकार हैं, मैं दावे के साथ कैमरे पर कह रहा हूं कि अगर किसी एक नेता के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा बिहार में है तो वो है नीतीश कुमार। आप किसी भी वर्ग से बात कीजिए, किसी सामान्य नेता से, पब्लिक से, उनके अपने सपोर्टर, वोटर और पार्टी के नेताओं से बात कीजिए, हर आदमी नीतीश कुमार के आज अपशब्द और गलत बात कह रहा है। और ये ऐसा मत समझिए कि बिहार की जनता समझती नहीं है, यही नीतीश कुमार हैं 2010 में, इनके नाम और चेहरे पर बिहार की जनता ने 206 विधायक जिताया था। आज यही नीतीश कुमार हैं जिनकी दशा यह है कि 40-42 को विधायक जीता हुआ है और एमपी के चुनाव में हारने के डर से ये आदमी फिर भागकर भाजपा के शरण में गया है कि अगर मोदी जी भाजपा का सहार नहीं रहा तो खाता नहीं खुलेगा। अगली बार लिख लीजिए, अभी पीछे बार घोषणा किए थे कि अगर महागठबंधन में लड़ेंगे तो 5 MP नहीं जीतेंगे, अभी लिख लीजिए। अब चाहे जिसी गठबंधन में लड़े, भाजपा के साथ भी लड़े, नीतीश कुमार को 20 से कम विधायक अगली बार जदयू को आएगा। अगर नहीं आया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस आदमी को, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा, चाहे वो भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े कि किसी के साथ लड़े। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता इतनी व्याकुल है आज कि वोट किसी को दिया, ये आदमी पलट पलट के, आप समझिए जनता आज कितना असहाय फील कर रही है। वोट किसी के नाम पर लिया, ये आदमी अपने आप को इतना चतुर समझता है, ये चतुर नहीं है, धूर्त है। नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है जो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को धूर्तता से मूर्ख बनाकर उसको ठग रहा है, और इसका पूरा सूद समेत हिसाब जनता अगले चुनाव में करेगी। लोकसभा भर खाली छोड़ दीजिए। और एनडीए के साथ सरकार बनाने वाली है, इस पे क्या? मेरे भाई, अगर आप पिछले एक साल के मेरे वक्तव्यों को देखेंगे तो शायद एकमात्र व्यक्ति मैं रहा हूं जो कैमरे पर कहता रहा है कि नीतीश कुमार बस पलट, कभी भी पलट सकते हैं। आप मेरे कितने भी वक्तव्य उठाकर देख लीजिए, हर जगह हमने कहा है ये नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा बन गया है। लेकिन आज जो घटना हुई है ये नीतीश कुमार के संदर्भ में नहीं है। नीतीश कुमार पलटू राम है या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। आज की घटना ने, अभी जो हुआ है, इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार हैं। आज ये भी तय हुआ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा वाले भी उतने ही बड़े पलटू मार हैं, जो अभी 2-4 महीना पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में भाजपा का दरवाजा बंद है। ये पलटू मार पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, इसलिए कि कल तक जो नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे भाजपा के वर्कर, समर्थक, कार्यकर्ता, आज ही से इनको सुशासन का नया प्रतिमूर्ति बताने लगेंगे। ये पलटू मार व्यवस्था इसलिए है कि आज तक राजद जो उनको सुशासन और भविष्य का नेता बता रही थी, अभी आज शाम होते होते वो फिर नीतीश कुमार को गाली देंगे, उनको शराबबंदी में माफियागिरी दिखने लगेगी, भ्रष्टाचार उनको बिहार में दिखने लगेगा। अभी सुबह तक नहीं दिख रहा था,
तो नीतीश कुमार पलटू मार है ये तो पूरा दुनिया जानता है। अब ये बहस का ये कोई डिस्कवरी का मुद्दा नहीं है। इस घटना ने ये दिखाया कि नीतीश कुमार ने अपने ही रंग में यहाँ के पूरी राजनीतिक व्यवस्था को रंग दिया है, जिसमें भाजपा और राजद दोनों ही उतने ही बड़े पलटू मार है जितने बड़े नीतीश कुमार है। देखिए, लोकसभा के चुनाव के नजरिए से मैंने पहले भी कहा है और कैमरे पर कहा है कि नीतीश बाबू अगर महागठबंधन में लड़ते तो उनको 5 सीट भी नहीं आने वाला था, ये तो लोगों को पता था। और जब हम लोग कह रहे थे तो उनका कोई कोई दल का आदमी चिल्लाता था, अरे प्रशांत किशोर को क्या आता है। ये तो डर इतना है ना कि लोगों को पता है। मैं कोई ऐसे बिहार का कोई नेता तो हूं नहीं कि कह दूंगा कौन जीतेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं आएगा 5 तो नहीं आएगा 5। इसी डर से पहले तो भागे, उनको मालूम था भी खाता नहीं खुलने वाला है तो भागे भाजपा में। अब इस नई व्यवस्था में जरूर एनडीए के नाम पर, मोदी के नाम पर, भाजपा के लहर में कुछ सीट उनको मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक और आपको भविष्यवाणी कर देता हूं, इसकी सबसे बड़ा कीमत, सबसे बड़ी कीमत इस गठबंधन का भाजपा और उनके दल वाले पे करेंगे विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा में नहीं। लेकिन भाजपा को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जो भाजपा का समर्थक है, जो उनका वोटर है, नेता है, काडर है, आज उसके पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर आप जिस नीतीश कुमार को आपने एक बार 2020 में थोपा, तब भी आपके 75 MLA थे, इनके 42 थे, आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने, क्यों नहीं बिहार को सुधारने का जिम्मा लिया। एक बार फिर नीतीश कुमार भागे तो आपने कहा नीतीश कुमार धोखेबाज है, और आज फिर उसी नीतीश कुमार को आप बिहार पर थोप रहे हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व ने चंद सांसदों के लालच में बिहार को 20 वर्ष तक लालू के हाथ में बेचा, इसकी चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या होगा। 10-15-20 सांसद हमारे जीत के यूपीए के आते रहे, लालू जी अगर पूरा बिहार लूट कर बर्बाद कर रहे हैं तो कोई चिंता नहीं थी सोनिया गांधी को, कोई चिंता नहीं थी कांग्रेस के लीडरशिप को। वही हाल आज भाजपा के लीडरशिप का है, उनकी चिंता बस इतनी है कि संसद में अगले लोकसभा चुनाव में हमारा 30-35 सांसद जीत कर आ जाए। अगर नीतीश कुमार ने पूरा बिहार को बर्बाद कर दिया है, उनकी मानसिक हालत नहीं है बिहार को चलाने की, इसकी कोई चिंता उनको नहीं है। वो बिहार के लोगों की चिंता नहीं है उनको, बिहार के बच्चों की चिंता नहीं है, तो लोकसभा में तो असर नहीं दिखेगा ज्यादा, लेकिन विधानसभा में भाजपा को बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। और आप इस वक्तव्य को नोट करके रिकॉर्ड करके रखिए, अगर न हो तो मेरी गर्दन आप पकड़ लीजिएगा। मेरी राय क्या होगी, हम आज से नहीं, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से देश विदेश के पत्रकार आते हैं, पूछते हैं कि आपका क्या मत है। मेरा मत जो पहले था वो अभी भी है। इस तरह के गठबंधन जिस तरह जो बनाए जाते हैं, जिसमें नेता लोग बैठ के चाय पिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक इंटेंट जारी किया कि हम लोग सब साथ में हैं, इससे जमीनी हकीकत पर, राजनीतिक सामाजिक स्थिति पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, काम करने का संगठन नहीं है, संसाधन नहीं है, तब तक सिर्फ नेताओं के साथ में बैठकर किसी गठबंधन के बना लेने से जमीन पर क्या असर पड़ेगा। और जब आप इस तरह का कोई प्रयास करेंगे उसका असर लोगों को दिखेगा नहीं, तो फिर भगदड़ या उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आना स्वाभाविक है, आज आए या चुनाव के रिजल्ट के बाद आए। जब मान लिए इंडिया गठबंधन बना आज से 6-7 महीना पहले, पटना से ही पटना में उसकी पहली बैठक हुई, तो यहाँ के पत्रकारों ने इतनी घोषणा, इतनी बड़ी बड़ी बात, कब बन गया, अब इसमें नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरा बन गए, कुछ हुआ आज तक? कुछ नहीं हुआ। सच्चाई ये है कि इंडिया गठबंधन का आज तक एक पब्लिक मीटिंग भी नहीं हो पाया है। आज तक 7 महीने में एक पब्लिक मीटिंग भी आप नहीं कर सके, और आप सोच रहे हैं कि पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा, कैसे संभव है ये? ये तो कागजी खाना पूर्ति है। तो स्वाभाविक है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उसकी सच्चाई लोगों को और दिखेगी। बिहार में सर कुछ और इस आदमी को इस बात का अहंकार है, वोट तो उनको है नहीं, अहंकार इस बात का है कि कोसी को वोट दोगे मुख्यमंत्री हम ही बन जाएंगे, जुगाड़ लगा के वोट आप किसी को जनता देगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन जाएंगे।
इस अहंकार को इस बार जनता इतने सिरे से इनको खत्म करेगी कि आप लिख कर रखिए, जदयू का नाम लेने वाला उस दल पे से राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो समझ रहे हैं जमीन पर, जदयू का नाम लेने वाला कोई नहीं बच जाएगा इस राज्य में। नीचे जो मैं गुस्सा देख रहा हूं, जिस तरह की सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, जो चला गया पटना उस पर लाठीचार्ज करा दिया, जो कोई मांग लेकर चला गया उसको बता दिया कि अरे सब बेवकूफ है, ये चल नहीं सकता है। नीतीश कुमार 2015 के बाद पलटी मार मार के कई बार अपना हित साध चुके, अब समाज का हर वर्ग जान गया है कि ये आदमी बिल्कुल, इसको किसी से मतलब नहीं है, इसको सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है, फेविकॉल लगाकर कुर्सी पर बैठ गए हैं और कोई ना कोई कभी भाजपा का कमल पकड़ के, कभी लालटेन पर लटक के, हम मुख्यमंत्री बने रहे, बिहार चाहे भाड़ में जाए, बिहार की जनता का चाहे कुछ भी हो, इस आदमी को अब बिहार की जनता के प्रति, बिहार के विकास को लेकर कोई संवेदना नहीं रह गई है और इसीलिए इनका बहुत पुरजोर विरोध होना चाहिए। हम जैसे लोग भी जिन्होंने इनकी पहले मदद की है आज इसलिए विरोध कर रहे हैं कि 2014-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। इस आदमी ने सारी मोरालिटी को ताखा पर रख दिया है, सिर्फ ये आदमी चाहता है कि हम मुख्यमंत्री बने रहे, चाहे बिहार गतलखाना में चले जाए, उनको इससे किसी से मतलब नहीं है कि बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बिहार ने देखा कि कोरोना के काल में 2 महीने तक हजारों बच्चे रोड पर, नवयुवक दर दर की ठोकर खा रहे थे और ये आदमी अपने बंगले से बाहर नहीं निकले, आप क्या बात करते हैं। और इनको अहंकार इस बात का है कि हमको 40 को एमएल, और ऐसा नहीं कि जनता बेवकूफ है, जो लोग अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जनता दल यूनाइटेड के 117 एमएलए होते थे, वहां से घटकर 72 पर आए, 72 से उलट के 42 पर आ गए हैं। अगली बार जनता इतना कम कर देगी कि कोई जुगत लगा लेंगे, कोई गणित लगाएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अपने बच्चों के नाम पर ये भैया हम लोग ठाकुर वाली बात जो सर आप बोले हैं उसे पर पटना में नीतीश कुमार का भी बयान आया कि उनसे क्या बता रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति। चलिए ना, नीतीश कुमार के बात को आप लोग, नीतीश कुमार जब जहां हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। जब भाजपा के साइड जाना होगा तो परिवारवाद दिखने लगेगा, जब भाजपा को छोड़कर लालू जी के साथ जाना होगा तो उनको संप्रदायवाद दिखने लगता है। किसी को नहीं मालूम है, नीतीश कुमार को स्वयं को नहीं मालूम है कि वो कहां रहेंगे। जो आदमी अपने जीवन के अंतिम राजनीतिक अंतिम दौर में पहुंच गया है, वो सामाजिक राजनीतिक हर नजरिए से नीतीश कुमार का ये अंतिम दौर चल रहा है। अब अपना छटपटाहट में कभी दाएं कभी बाएं कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी चुनाव होगा, नीतीश कुमार को उनकी राजनीतिक औकात बिहार की जनता दिखा देगी। मैंने पहले कहा है, आपको फिर से दोबारा कैमरे पर कह देता हूं, आज तक मैंने अगर चुनाव को लेकर कोई भविष्यवाणी की है, बहुत मैं करता नहीं हूं, तो शायद ही कभी गलत हो सकता है, गलत नहीं होता है। बिहार के चुनाव के नजरिए से, लोकसभा के नजरिए से मैं आपको कैमरे पर बता देता हूं, महागठबंधन में नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके दल जदयू को 5 सीट भी नहीं आएगा। और ये 2 महीने से हम बात कह रहे हैं और उनके दल वाले भी समझ रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर कह रहा है तो 5 सीट नहीं आएगा, इसीलिए भगदड़ होनी है। अब भगदड़ में नेता भागते हैं ताकि उसमें नीतीश कुमार भी भाग जाते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। उनको वो घबराहट बिल्कुल स्वाभाविक है, उनको दिख रही है, ऊपर से कुछ भी कहें, जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है। आप लोग खुद पत्रकार हैं, आपको मालूम है जदयू को कौन वोट देगा, कोई वोट देने वाला नहीं बचा हुआ है। तो लोकसभा से पहले अपना हाथ पांव मार के फिर कोई रास्ता निकालने का कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अगर लोकसभा से पहले नहीं भी गए तो ये आप लिख के रखिए कि लोकसभा के बाद तो उनको आज की स्थिति जो है ये तो स्थिति बदलेगी ही बदलेगी। ये जो महागठबंधन की सरकार चले, और ये हम 1.5 साल से कह रहे हैं, ये जो व्यवस्था है ये तो बहुत चलेगा तो लोकसभा तक चलेगा, लोकसभा में ये लोग हारेगा फिर भागना तोड़ना शुरू हो जाएगा। भैया जब तक बिहार में नीतीश कुमार हैं तब तक चर्चा अफवाह और कुछ नया होने की संभावना ये हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि उस आदमी को खुद ही नहीं मालूम है कि उसको करना क्या है। तो जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक इस तरह की चर्चा और अटकलें चलती रहेंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है बिहार के नज़रिए से कि लग ऐसा रहा है, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार के
इस तरह के पलटू मार राजनीति का करीब करीब अंतिम समय आ गया है। उनके राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। 2-4-5-6 महीना जितना दिन खींच के चल ले लोकसभा के बाद उनका और उनके दल का औपचारिक तौर पर विघटन शुरू हो जाएगा और अगले चुनाव और विधानसभा चुनाव आते आते जदयू का कोई अस्तित्व आज के स्वरूप में नहीं बचेगा। एकदम आप दावे के साथ कह रहा हूं, इसको कोट कर लीजिए, कहना है। दूसरी बात जो आपने कही घोषणा हुई है कुछ पैसे ट्रांसफर करने की, तो पैसा ट्रांसफर करना चाहिए, अगर सरकार के पास साधन है तो करना चाहिए। लेकिन बिहार में 3-3 करोड़ परिवार रहते हैं और आर्थिक सामाजिक नजरिए से बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। यहां पर 80% लोग, 100 में 80 आदमी आज भी दिन का 100 रुपया नहीं कमाता है। यह आंकड़ा याद रखिए, बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 34-35 हजार रुपया, देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपया। तो अगर आप कह रहे हैं कि उसमें से जो सबसे गरीब है उसको हम मदद कर रहे हैं तो कीजिए मदद, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सरकार के पास अगर साधन है और ईमानदारी से अगर उन लोगों की कुछ मदद होती है तो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस तरह के रेबड़ी बांटने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप समाज को पढ़ाएंगे नहीं, शिक्षित नहीं बनाएंगे, उसको रोजगार नहीं देंगे, तो ये राजा प्रजा वाली जो व्यवस्था है कि हम आपको, जब आप मजबूत गरीबी में पड़िएगा, जब परेशानी में पड़िएगा तो आइएगा तो हम आपको कुछ मदद कर देंगे, तो राजद वगैरह के नेताओं का, दलों का यही मॉडल है। अस्पताल सुधारना नहीं है, अस्पताल का औचक निरीक्षण करना है। अरे भाई, अस्पताल सुधारोगे, उसके लिए कोई व्यवस्था बनाओगे, तब तो निरीक्षण होना चाहिए। लेकिन इनको तो न्यूज बनाना है, राजनीति करनी है। 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति देने से, प्रति परिवार अगर ये दे पाए तो बहुत अच्छी बात है, न इनको देना है न कुछ करना है। ये चुनाव अभी साथ सामने है तो अपना एक लॉलीपॉप बांटने का तरीका है। अभी तक कह रहे थे कि आरक्षण देके सुधार देंगे, अब 2 लाख रुपया देके सुधार देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर 2 लाख रुपये को 3 किस्त में देने की बात है तो 65,000 रुपया हुआ महीने का, 5,000 रुपया हुआ। 5,000 रुपया मिलने से किस परिवार का गरीबी दूर हो जाएगी, जरा बताइए तो हमको। आज से 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक योजना जारी की थी जिसमें कहा था कि हर परिवार को 6,000 रुपया महीने का मिलेगा। कोई वोट मिला उससे? एक भी वोट मिला कांग्रेस को उससे? जनता इतना बेवकूफ है? 2 लाख रुपया अगर आप प्रति परिवार देते हैं तो प्रति परिवार वो 5,000 रुपये महीना, अगर आप 3 किस्त में देंगे तो, और परिवार का साइज है 5-6 लोगों का, तो हर व्यक्ति पर कितना हुआ? हर व्यक्ति 1,000 रुपया हुआ। वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं 400 रुपया है, और आप प्रति परिवार 1,000 रुपया देने लगेंगे तो झूठ मूठ का लॉलीपॉप पब्लिक को बेवकूफ बनाने की बात है। आप आगे। 2015 में मैंने नीतीश कुमार जी का प्रचार किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करी, उनको जिताने में कंधा भी लगाया। 2014 के नीतीश कुमार में और 2023 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है, प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और मानवता के आधार पर। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, जिस स्लोगन की आपने बात की है, वो नीतीश कुमार थे जिनके नेतृत्व में बिहार में 2005 से 2012-13 के दौर में सुधार होता दिखा था। ये बात बताता है कि हमको बिहार में राजनीति करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो ये चाहता था कि अगर ये आदमी, इनके नेतृत्व में बिहार सुधर रहा है और नीतीश जी ने अपना पद छोड़कर मांझी जी को बना दिया था, हमसे जब मदद के लिए आए दिल्ली में मिलने 2014 में नीतीश कुमार, उनको किसी ने बताया था कि नरेंद्र मोदी का जो अभियान चला है वो बिहार के किसी लड़के ने चलाया है। तो मोदी, जब नीतीश बाबू हमसे नवंबर 2014 में मिलने आए तो मैंने उनको कहा कि आप तो बिहार ठीक चला रहे थे, बिहार में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो आप छोड़कर मांझी जी को बनाकर क्यों अलग क्यों हट गए? तो उन्होंने बताया कि हम चुनाव हार गए। हमने उनको उस समय ये वादा किया कि आप वापस मुख्यमंत्री बनिए, बिहार को बेहतर जैसे बना रहे थे बनाइए, और चुनाव के नजरिए से जो मदद होगी वो हम लोग मदद करेंगे। इसलिए आकर उनकी मदद भी की, उनको चुनाव जिताया भी, 7 निश्चय की एक परिकल्पना भी करी,
बिहार के विकास के लिए बिहार विकास मिशन भी बनवाया, उस सरकार में हम शामिल नहीं थे, लेकिन जो भी स्ट्रेटेजी के तौर पर, सुझाव के तौर पर किया जा सकता था वो सब किया, लेकिन करने की जिम्मेवारी तो नीतीश कुमार की थी। तो 2005 से 2012-13 में जो बिहार सुधरता हुआ दिखा, 2015 से 2023 के दौर में बिहार बिगड़ता हुआ दिखा नेता के तौर पर। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी वो चुनाव नहीं हारे थे, लोकसभा में उनके पार्टी को झटका लगा था, 2 MP जीते थे, विधानसभा में उनके 117 विधायक थे, उनको बहुमत जनता का दिया हुआ था। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में, 2243 के विधानसभा में सिर्फ उनके पास 42 विधायक हैं। उस समय चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन पद एक राजनीतिक मर्यादा होती है, पद इन्होंने छोड़ दिया था, मांझी जी को बनाया था। आज ये चुनाव हार गए हैं, लेकिन कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर, कभी लालटेन पकड़कर, कभी कमल पकड़कर कुर्सी पर चिपके हुए हैं, उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। जिस नीतीश कुमार का 14-15 में मैंने साथ दिया था, वो नीतीश कुमार को मैं जानता था जो वाजपेयी जी के जमाने में रेल मंत्री रहते हुए गैसल असम में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें करीब 200 लोगों की मृत्यु हुई थी। नीतीश कुमार ने रेल मंत्री रहते हुए पद से इस्तीफा दिया। जब वाजपेयी जी ने इस्तीफा को स्वीकार किया तो नीतीश जी का बयान था कि हमारे रेल मंत्री रहते हुए अगर 200 लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं पद पर कैसे रहूंगा। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं, ये वो व्यक्ति है जब कोरोना में हजारों लोग बिहार के मर गए, लाखों बच्चे रोड पर घूमते रहे और ये आदमी घर से बाहर नहीं निकला। हमने फोन पर बात की, इनको बताया कि इतने लोग यहां बाहर फंसे हुए हैं, कम से कम बस तो भिजवा दीजिए। यह आदमी ने कुछ नहीं किया, उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। और आपका अगर तर्क है, जो सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र में भरोसा और वोट 5 वर्ष के लिए है, जिंदगी भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। ये आप लोग यही करके तो बिहार को बर्बाद कर दिया लोगों ने। मेरे भाई ऐसा है, आपने कहा कि आप हमको सुनते रहे, आपने सुना नहीं है कभी, क्योंकि जिस दिन से हम ये पदयात्रा चला रहे हैं उस दिन से हर प्रेस वार्ता में आप पहले बेतुका पूछने वाले नहीं हैं। ये बेतुका सवाल नहीं है, तो बिल्कुल सही सवाल है। हर पत्रकार, हर प्रखंड में पत्रकार वार्ता में लोग ये पूछते हैं कि इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है। उसका जवाब ये है कि ये पैसा वहां से आ रहा है जिनको पिछले 10 वर्षों में हमने राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद की है, कंधा लगाया है। आज इस देश में 5 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां उन लोगों की सरकारें हैं जिनको सरकार बनाने में, जीतने में हमने कंधा लगाया है। कई लोगों को यह लगता है कि अच्छा, जिस पार्टी को जिताया है वो पैसा दे रहा है। नहीं, पैसा वो कोई नेता नहीं देता है, कोई दल नहीं देता है, लेकिन जिस राज्य में भी आप किसी को सरकार बनाने में मदद करेंगे, उस राज्य में सैकड़ों ऐसे लोग होते हैं जो प्रशांत किशोर को जानते हैं, जिनको हमारी समझ पर भरोसा है, जिनको हमारे प्रयासों में यकीन है, लोग वो मदद कर रहे हैं। तो उन राज्यों में जहां मैंने काम किया पिछले 10 साल में, जहां की व्यवस्था को, सरकार को बनाने में हमने कंधा लगाया, उस व्यवस्था से, उन दलों से, उन नेताओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लोग पैसा दे रहे हैं और उसी पैसे से ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। सर, एक सवाल है। एक बात, आप ये बेतुका सवाल, एक ये बेतुका सवाल अगली बार जदयू से और राजद से भी जरूर पूछिएगा। पत्रकार और मास कॉम के एथिक्स की आपने बात की है, मैं एक बार अपना फुटेज हमको दिखा दीजिएगा जिसमें आप ये पूछ रहे हो तेजस्वी यादव से कि राजद को राजनीति करने के लिए पैसा कहां से आता है, अपना बर्थडे एरोप्लेन, चार्टर्ड प्लेन में मनाने के लिए पैसा कहां से आता है, नीतीश कुमार को धंधेबाजी करने के लिए पैसा कहां से आता है। ये सवाल अगर आपने नीतीश कुमार से पूछा होता तो मुझे और खुशी होती, लेकिन आप हमसे सवाल पूछिए, आपका हक है, हमको जवाब देना भी चाहिए, लेकिन ये जवाब सबसे मांगा जाना चाहिए, सिर्फ जनसुराज से। दूसरा न दे तो भी मैं दूंगा, सुनिए, दूसरा कोई न जवाब दे फिर भी मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन पत्रकार होने के नाते आप गिरिराज सिंह से भी पूछिएगा, यहां पर डॉक्टर तनवीर से भी पूछिएगा और नीतीश कुमार, लालू यादव से भी पूछिए, तेजस्वी यादव से, कि आप लोग जो राजनीति करते हैं, प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि दूसरे राज्य में जिसका मदद किए थे वो पैसा दे रहा है, और बिहार में तो कम से कम कोई खड़ा होकर माइक लाल नहीं कह सकता है कि हमने 1 रुपया भी किसी से लिया है जीवन में, लेकिन राजद और जदयू को पैसा कौन दे रहा है, इस पर भी मैं
सोचता हूं कि पत्रकारों को इतनी हिम्मत तो जरूर होनी चाहिए कि एक बार पूछ के तो दिखाइए। जवाब तो आपको जीवन में नहीं मिलेगा, सुनिए ऐसा है, जवाब तो आपको जीवन में नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी हिम्मत दिखाइए। लालू नीतीश तेजस्वी से तो आप पूछ भी नहीं पाइएगा, क्योंकि वो आपको पूछने नहीं देंगे। कम से कम उनके जिला अध्यक्षों से पूछिए कि तुम्हारे पास पैसा कहां से आया। आपका जवाब एक सकारात्मक पहलू है, यह जवाब सवाल जानबूझकर पूछा गया था।